Hello, my shimmering star. I am Amika Daya. Welcome you all to this amazing platform of Tutors Theory. Our today's topic is mathematical content, and it is from the Unit 2 of Maths Education of DLED First Year. DLED First Year ki Unit 2 hum start karne ja rahe hain. अगर आप मैथ्स के बारे में किसी छोटे से बच्चे से भी पूछते हो, या अगर आप सोचते हो कि आपने आपके जीवन में मैथ्स की स्टार्टिंग आपके लाइफ में कैसे हुई है, तो हमें पता है सबसे पहले हमें ना काउंटिंग सिखाई गई थी, गिनतियां सिखाई गई थी। तो यही कह रही हैं कि अगर मैं एलिमेंट्री लेवल पे बात करती हूँ एजुकेशन सिस्टम की, तो एलिमेंट्री लेवल पे सबसे पीछे वाले जो सॉरी पीछे वाली यूनिट जो थी यूनिट वन में, हमने देखा कि एलिमेंट्री लेवल पे मैथ्स को क्यों ऐड किया गया है, क्या रीजंस थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, कैसे मैथ्स जो है आगे बढ़ा है, कैसे करिकुलम डेवलपमेंट हुई है मैथ्स की। तो अगर मैं प्री प्राइमरी स्टेज की भी बात करूँ, तो प्री प्राइमरी स्टेज पे बिल्कुल जो छोटे बच्चे होते हैं मॉन्टेसरी के, उन्हें क्या सिखाया जाता है, काउंटिंग सिखाई जाती है सबसे पहले। काउंटिंग से भी पहले उन्हें आपको कहोगे कि पेंसिल पकड़नी सिखाई जाती है। यस, मैं मैथ्स के सिलेबस की बात कर रही हूँ। तो क्या सिखाया जाता है, 1 to 10। जब बच्चे को 1 to 10 की काउंटिंग आ जाती है, तो दूसरा स्टेप ये रहता है कि हम बच्चे को रिवर्स काउंटिंग सिखा दे, जिसका मतलब है 10 to 1। दिस यूनिट इज वेरी सिंपल। इसके बाद जो थर्ड स्टेप होता है, उसमें हम बच्चे को क्या सिखाते हैं कि बच्चे जो है आइडेंटिफिकेशन करनी स्टार्ट कर दे, मतलब अक्षरों का ज्ञान होना स्टार्ट हो जाए कि दिस वन इज 9, दिस वन इज 7, ये 5 है, ये 4 है, ये 3 है, ऐसे। इसके बाद हम चाहते हैं कि बच्चे जो है उस राइटिंग मतलब राइटिंग फॉर्मेट में खुद से लिखना भी सीख जाए, ठीक है, कि उसे ये 2 लिखना है, ये 3 लिखना है, तो बच्चों को एबिलिटी टू राइट आ जाए। इसके बाद जो सबसे नेक्स्ट चीज है, तो सिखाया जाता है बच्चों को कि आप ना छोटे छोटे चीजों को काउंट करना सीखें। लाइक अगर मैंने ऐसे करके 2 फ्लावर बना दिए हैं, ठीक है, और ऐसे 1 फ्लावर और है, तो हम बच्चों को बताते हैं कि बेटा टोटल काउंट करो, तो वो बच्चा करता है 1, 2 और 3, ऐसे 3 बता देते हैं। तो हमें सिंगल डिजिट की हम एडिशन सिखाते हैं, एडिशन के बाद आप क्या सिखाते हो, सब्ट्रैक्शन सिखाते हो। तो मतलब एडिशन में हम सबको कलेक्टिव करना सीख लेते हैं। इसके बाद आप बच्चे को क्या सिखाते हो, जब आपको बच्चे को एडिशन आ जाता है फ्रॉम सिंगल डिजिट वंस के बाद आप टेंस डिजिट के सम देने स्टार्ट कर देते हो, ऐसे ही 100 डिजिट के देने स्टार्ट कर देते हैं। जब बच्चे को ये भी आ जाता है, तो हम सबको पता है कि हम कैरी सम देने स्टार्ट कर देते हैं। मतलब ऐसे ऐसे मैथ्स की जो करिकुलम था, वो मैथमेटिकल कंटेंट की डेवलपमेंट हो जाती है फॉर द प्री प्राइमरी। देन इसके बाद आओ नंबर टास्क एंड कंजर्वेशन। अब बच्चों को कैसे सिखाना है कि ये नंबर 2 ही है, ये नंबर 3 ही है। देखो बहुत सिंपल सा टास्क गिवन है कि हमने ना कुछ बॉल्स ले ली, ये सारी ब्लैक कलर की हैं, और दीज बॉल जो थोड़ा सा डार्कन है इन कलर, ये सारी कैसे कलर की है, हमारी रेड कलर की बॉल है। इसके बाद सेट 3 में क्या ले लिया है, रेड कलर की बॉल्स को अरेंज कर दिया गया है, और ये वाली बॉल्स को क्या कर दिया है, साइड में रख दिया गया है। तो ऐसे ही हमारे पास रेड और ब्लैक कलर के सर्कल्स को अलग अलग करके बच्चों को थोड़ा सा पहचान कराने की कोशिश करी जा रही है कि हम कैसे कर रहे हैं, और क्या मैथमेटिकल नंबर है वो चेंज नहीं हो रहे हैं, चाहे कलर कुछ भी गया है। तो यहाँ पे नंबर कंसेप्ट सिखाने के लिए बच्चे को हम 3 लेवल्स पे बात करते हैं। सबसे पहले है ऑर्डिनेशन। ऑर्डिनेशन का मतलब जैसे आप ऑर्डर, ऑर्डिनेशन ऑर्डर से मिलकर बना है। ऑर्डिनेशन का मतलब है लाइक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, तो ये ऑर्डिनेशन है। इसके बाद आता है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब है कोऑर्डिनेट करना, लाइक मैंने ये बनाया, तो बच्चे कोऑर्डिनेट कर पाए, दीज आर 3 स्टैंडिंग लाइन। फिर इसके बाद है कंजर्वेशन करना। कंजर्वेशन करने का मतलब है बच्चे को ये चीजें ध्यान है कि क्या चीज है, कैसे हम उसकी काउंटिंग करेंगे, क्या करेंगे। देन इसके बाद है एक्सप्लेनेशन। द ऑर्डिनेशन मीन्स इन ऑर्डर, बच्चे को ये बोला जाए कि आपको जो है सबसे पहले किसी ऑपरेशन को करने से पहले बच्चे को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ नंबर, कि 3 के बाद 4 है, 3 के बाद वो 7 ना लिखे। तो ऑर्डिनेशन का मतलब है कि आप बच्चे को कर्म सिखाओगे। देन इसके बाद है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब किसी हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट से या नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को इंक्लूड करके हम काउंटिंग सिखा रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि ये 2 थी स्टैंडिंग लाइन, ये 3 थी, बच्चों को बोला ऐड कर दो, तो वो फटाफट बता देगा कि दीज आर द 5 स्टैंडिंग लाइन्स। इसके बाद है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है कि हम नंबर का जो ज्ञान था उसे कंजर्व करके अपने पास रखें। इसके बाद है काउंटिंग। काउंटिंग
चाइल्ड लव टू काउंट, मतलब बच्चे बहुत खुश होते हैं काउंट करके, शुरू शुरू में ऐसे उंगलियों पे भी काउंट करते रहते हैं, तो उनको काउंटिंग करने के लिए रीनमरेशन और नोटेशन का भी पता होना चाहिए। रीनमरेशन एंड नोटेशन क्या होती हैं कि किस अक्षर को कैसे लिखा जाएगा। इस कंसेप्ट को सिखाने के लिए आप थोड़ा प्रोडक्टिव काम भी कर सकते हैं, जैसे रियल ऑब्जेक्ट ला सकते हो, कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट लगा सकते हैं, कोई गेम खिला सकते हो, कोई जैसे दे सकते हैं छोटे छोटे बच्चों को, और बहुत सारे खिलौने वगैरह भी हम ऐड करके उन्हें सिखा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है, क्योंकि अब हमने बच्चों को 1 to 10 तो सिखा दिया, 1 to 100 की बात आ गई, 1 to 100 भी अगर हमने बच्चों को सिखा दिया, तो इसके बाद बच्चों को पता भी तो होना चाहिए ना कि ये 237 है, तो इस चीज की पहचान कैसे होगी। उसके लिए हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट जिसका नाम है प्लेस वैल्यू। यहाँ पे हम जितनी भी डिजिट्स हैं, नंबर डिजिट्स हैं, हम उन्हें उनका प्लेस देने की कोशिश करते हैं कि किस अक्षर का क्या प्लेस है। लाइक मैंने ऐसे लिख दिया 5, 4, 3, तो इसका प्लेस क्या है, ये 1s है, ये 10s है, ये 100 है, फिर आगे 1000 आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा, ऐसे सीरीज हमारी आगे चलती रहेगी। तो हम जो हम मतलब टीचर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को जो भी नंबर मिले हुए हैं उनकी प्लेस वैल्यू हम अच्छे से बता पाए कि कौन से जो नंबर है उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। इसके बाद आते हैं 4 फंडामेंटल ऑपरेशन। आपको कहोगे मैम ये क्या बता रहे हो आप, देखो बहुत सिंपल है ये। एडिशंस में आपको मैंने जैसे बताया कि पहले बच्चों को हमें किससे सिखाना है, हमें कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स की एडिशन करके सिखाना चाहिए। देन इसके बाद हम बच्चों को जो सीरीज है बेटा मैं वही बता रही हूँ, फिर हम बच्चों को सिखाते हैं सिर्फ 1s प्लेस की, जिसमें एक ही डिजिट के सम्स होते हैं, और ठीक है फिर इसके बाद हम करते हैं 2 डिजिट के सम सिखाने स्टार्ट कर दिए हमने, फिर 3 डिजिट के सिखाने स्टार्ट कर दिए, ठीक है, देन इसके बाद 4 डिजिट के, एंड देन इसके बाद कैरी फॉरवर्ड सम आ जाएंगे, जिसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 9 लगा दूं तो बच्चे को कैरी लेने की जरूरत पड़ेगी सम को सॉल्व करने के लिए। तो एडिशन का कॉन्सेप्ट सिखाना है। एडिशन के कॉन्सेप्ट में आप बच्चों को बिल्कुल बेटा पेपर में ऐसे ही लिखना है, इफ यू आर गिवन विद द क्वेश्चन लाइक एक्सप्लेन द 4 फंडामेंटल ऑपरेशन, तो यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक की फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड हैव टू नॉलेज अबाउट द काउंटिंग्स, द रिवर्स काउंटिंग्स, द प्लेस वैल्यू, एंड आफ्टर दैट वी आर गोइंग फॉर द कंसेप्ट ऑफ एडिशन। एडिशन में भी आप टाइप करके बताओगे कि एडिशन ऑफ सम नंबर विद अ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट, विद अ ड्रॉइंग, विद एनी रियल ऑब्जेक्ट्स। सेकेंड बताओगे कि एडिशन ऑफ द नंबर विद अ सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट, ऐसे 3 डिजिट करके, एंड देन इसके बाद आपको हर एक क्वेश्चन के लिए एग्जाम्पल भी बच्चों को प्रोवाइड करना है। तो इससे आप बच्चे का कॉन्सेप्ट भी अच्छे से करा पाओगे फॉर द थ्योरेटिकल, फॉर द प्रोसीजरल नॉलेज। एंड अगर मैं बात करूँ थ्योरेटिकल, जो आपको क्वेश्चन पेपर में लिखना है आंसर शीट पे, तो आपकी लेंथ भी क्वेश्चन की ऐसे ही बढ़ जाएगी। देन इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब है, ऐसे ही जैसे आपने प्लस वाला कॉन्सेप्ट सिखाया है, ऐसे ही सब्ट्रैक्ट करके भी सिखाओगे कि मान लो मैंने 2 कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट दे दिए और कहा कि बेटा इसमें से एक कट कर दो, तो बच्चा भाग के उसमें से एक कट कर देगा, फिर बच्चे से आंसर पूछ सकते हो कि हाउ मेनी लेफ्ट। तो यहाँ से एंड देन फिर वही आपको सिंगल डिजिट पे बात करनी है, देन 2 डिजिट पे बात करनी है, एंड देन 3 डिजिट पे, इसके बाद कैरी फॉरवर्ड सम आ जाएंगे। ऐसे ही मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट चलेगा। मल्टीप्लीकेशन के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए आपको एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप बच्चों को पहले सिखाओगे कि मल्टीप्लीकेशन इज द नंबर ऑफ टाइम एडिशन। तो ऐसे हम बता सकते हैं, देखो ये 2 है, ठीक है, 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 टाइम्स, तो हम इसे 10 लिख देंगे। मल्टीप्लीकेशन आने के लिए बच्चों को उससे पहले आपको हमें बच्चों को क्या सिखानी है, टेबल सिखानी है, तो टेबल का कंसेप्ट भी आप इलेबरेट करोगे कि एटलीस्ट अ स्टूडेंट हैव द नॉलेज ऑफ 1 to 10 टेबल तो होनी चाहिए, इसके बाद तो वो मल्टीप्लीकेशन करके भी सीख सकता है। मल्टीप्लीकेशन में भी आप सिंपल मल्टीप्लीकेशन दोगे जिसमें कैरी नहीं होती, जैसे अगर मैंने दे दिया 3 into 2 एंड 4 से मल्टीप्लाई करो, तो बच्चा कैसे कर लेगा, बिना कैरी के कर लेगा। एंड इसके बाद हम 3 into 2 into 8 दे सकते हैं, फिर जब बच्चे को ये भी आ जाएगी तो हम डिजिट और बढ़ा देंगे, ये भी आ जाएगी तो हम 3 से 4 डिजिट के सम देने स्टार्ट कर देंगे, जिससे बच्चे को एक हायरार्की में चीजें समझ आ जाएंगी कि कैसे कोई भी कार्य करना है, ठीक है, मतलब एक सीक्वेंस समझ आ जाएगी, पहले ये फिर ये, तो हमें कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पे लास्ट में पहुंचना है, पहले चीजों को आसानी से बच्चों को सिखा देना है। देन इसके बाद आती है डिवीजन। भाग में भी आप बच्चों को एक कॉन्सेप्ट बताओगे कि जब आपको किसी अंक में से सेम को नंबर ऑफ टाइम्स माइनस करना होता है तो हम कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं,
कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, डिवीजन का, ठीक है। तो हमें ये पता है कि इतने नंबर ऑफ टाइम्स को हमें डिवाइड कर देना है, हमें उतनी बार ही वो चीजें घटा देनी है, तो वो डिवीजन होता है। डिवीजन में भी आप बिल्कुल सिंपल वाले डिवीजन सिखाओगे जिसके अंदर हमें कोई भी डिजिट के लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा बच्चे को, सीधी आपने टेबल दी और टेबल पे काउंट करके बच्चा बता सकता है कि ये तो थ्री पे जाएगा। फिर इसके बाद आपको ऐसे सम्स देने हैं, जैसे मैंने दे दिया 29 और ये डिवाइड करना है 3 से, तो बच्चे को थोड़ा ध्यान लगाना है कि कौन सी डिजिट है जो इससे डिवाइड हो जाएगी, जो इससे ना तो ज्यादा छोटी हो ना बड़ी हो, ठीक है। ऐसे आप डिवीजन का कॉन्सेप्ट सिखाओगे। अब आते हैं डिवीजन, डिवीजन के कॉन्सेप्ट में ही ये है हमारी विभाज्यता का सम, ठीक है, सॉरी नियम क्या है, डिविजिबिलिटी बाय टू। वी ऑल नो दैट द नंबर विच, जिस नंबर के पीछे टू आता है, फोर आता है, सिक्स आता है, एट आता है, जीरो, दैट वन इज डिविजिबल बाय टू, तो डिविजिबिलिटी ऑफ टू आ जाएगी। फिर इसके बाद है डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री, जैसे हम सबको पता है कि डिविजिबिलिटी ऑफ थ्री के लिए हम उसे ऐड कर देंगे तो 8+1 इज इक्वल टू 9, 9 बहुत सिंपली हमारी थ्री की टेबल में आ जाता है, तो ऐसे हमें डिविजिबिलिटी का रूल बताना है। फिर इसके बाद आते हैं डिविजिबिलिटी बाय फोर, डिविजिबिलिटी बाय फोर में किसी भी नंबर की लास्ट की टू डिविजिट शुड बी डिविजिबल बाय फोर, चार से वो डिवाइड हो जानी चाहिए तभी आप कह पाओगे कि इट इज डिविजिबल बाय फोर। लाइक मैंने दे दिया आपको 624, तो लास्ट की टू डिजिट हमेशा डिविजिबल होनी चाहिए। Then divisibility by 5 बहुत easy है, the number is and with the 5 or 0, जो number 5 और 0 से, मतलब जिसकी ones place 5 या 0 होगी, आप उसे क्या कहोगे, divisible by 5, okay? Then इसके बाद divisibility by 6, divisibility for the divisibility of 6, a number should be divisible by 3 and 2, 2 और 3 के लिए divisible होना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो कि ये divisible है किससे, 6 से, ठीक है। देन आते हैं डिविजिबिलिटी बाय 7, डिविजिबिलिटी बाय 7 के लिए आपको क्या करना है, 3, 1, 5, 4 ऐसे गिवन है, तो आपको एक एक छोड़ के नंबर्स को ऐड कर लेना है, जैसे ये आ गया 8 और ये 7 है, अगर ये है इसको भी ऐड कर लेना है अलग, मतलब हमें एक एक डिजिट छोड़ के ऐड करनी है, तो ये कितना आ गया 8, दोनों को माइनस कर देना है, इफ आंसर इज 0 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 7 एंड इफ आंसर विल नॉट बी द 0 तो नंबर जो है वो हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, 7, 7, 4, 28 कितना बचा, 11 में से 8 गए, 3 उतार लिया, 5 तो क्या हुआ, कितने पे गया, 7, 5 जा 35 देन उतार लिया 7 तो 7 बन जा 7, ठीक है, तो हमारा कितना हमारा जो शेष फल था, रिमाइंडर था, वो आ गया 0। तो आई थिंक आपको डिविजिबिलिटी बाय 7 भी क्लियर हो गई होगी। क्या कह रही हूँ मैं, अगर मेरे पास कितना भी बड़ा नंबर है, कुछ भी मैं ले लूँ, तो आपको एक ये वाले डिजिट, दिस वन एंड दिस वन, इन सबको इकट्ठे जोड़ लेना है, एंड दिस वन ये वाली हम इसे इकट्ठे जोड़ लेंगे, और दोनों को क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। आंसर शुड बी या तो 7 की टेबल में से होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, देन द नंबर विल बी डिविजिबल बाय 7। देन इसके बाद आता है 8, 8 की डिविजिबिलिटी इज लाइक 4, लास्ट के 3 डिजिट को 8 से डिवाइड होना ही पड़ेगा, तो वो हमारी क्या कहलाएगी, डिविजिबिलिटी बाय 8, मतलब 3 अक्षर जो लास्ट के हैं उन्हें 8 से डिवाइड करके देख लो, चाहे नंबर कितना भी बड़ा हो, तो आप बता सकते हो इट इज डिविजिबल बाय 8। एंड द रूल फॉर 9 क्वाइट सिंपल, बहुत सिंपल है, एज लाइक 3 ऐड करोगे तो 9 आना चाहिए, ठीक है, क्लियर। देन इसके बाद आती है डिविजिबिलिटी बाय 10, 10 के लिए बहुत सिंपल है, लास्ट में 0 आ जाए, अगर यहाँ ये 20 है तो ये डिविजिबल है 10 से, ठीक है। देन 11 की भी डिविजिबिलिटी बिल्कुल एज लाइक हमारी किसकी तरह है, 7 की तरह ही है, ठीक है। अब मैंने वही लिखा था 3, 1, 5, इसको डिवाइड करके देख लेते हैं अभी, क्योंकि 0 आ रहा था ना हमने देखा था, तो 11 दूनी 22 होता है, कितना बचा 9, उतार लिया 5, फिर कितना लिखा नहीं मैंने, 8 जा पे जाएगा 88, 15 में से 8 गए 7, यहाँ कितने बचे हैं 8, तो 8 में से 8 गई 0, हमने फिर क्या उतारा 7, तो 7, 7 कितना हुआ 77 पे चला जाएगा, तो देखो हमारा हो रहा है ना डिवाइड, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 के भी क्या है कि आपको कोई भी नंबर मिल जाए, कोई भी नंबर कुछ भी हो, हमें एक छोड़ के एक डिजिट्स को साथ में ऐड कर लेना है और एक छोड़ के एक जो बची डिजिट उन्हें साथ में कर लेना है, या तो नंबर 11 की टेबल से आना चाहिए या फिर 0 ही आना चाहिए, क्लियर है।
क्वाइट सिंपल ना। इसके बाद आते हैं फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होता है, सबसे पहले तो जो हमारी पी वाई क्यू की फॉर्म में होती है वो फ्रैक्शन होती है। द अपर पार्ट इज नोन एज न्यूमरेटर एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज डिनोमिनेटर। वी कैन से दैट फ्रैक्शन इज द पार्ट ऑफ होल। पूरा अगर हमारे पास कुछ है, मान लो ये एक चपाती है, मेरे पास हमें दो भाग में डिवाइड करना है, तो पूरे का जो पार्ट बच रहा है वो हमारा क्या है, फ्रैक्शन है। द फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ होल। पूरे होल का जो एक पार्ट है वो हमारा फ्रैक्शन है। जो नंबर ऊपर रहता है वो हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर। जो हमारा नीचे होता है वो डिनोमिनेटर होता है। द जो क्वेश्चंट रहेगा वो हमारा न्यूमरेटर रहेगा, और जिससे डिवाइड कर रहे हो वो हमारा क्या रहेगा, न्यूमरेटर, सॉरी डिनोमिनेटर रहेगा। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं, बताते हैं, ये मैंने आपको अभी बताया है। देन आती है हमारे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में देखो, ये थोड़ा सा ना मैं इलेबरेशन रिटर्न कम लेके आई हूँ, आपके पास डायग्रामेटिकली ज्यादा है, बिकॉज अगर आप देखोगे तो आपको देख के समझ आ जाएगा। बस आप इसे एग्जाम्पल डाल के और थोड़ा सा अपनी तरफ से किसी एग्जाम्पल का सोल्यूशन डाल के इनकी लेंथ बढ़ानी है, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही ईजी है। सबसे पहली आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन में जिसके अंदर न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, लाइक 7/8 इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, फिर इसके बाद आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन व्हाट, डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। तो लाइक 8/7 लिख दूं तो मैं, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगी। इसके बाद आती है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें एक होल का भी कुछ पार्ट होता है, मतलब होल तो होता ही होता है एंड होल का कुछ पार्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। तो जैसे एग्जांपल दे रखा है कि दिस वन इज अ होल, तो इसे आगे लिख देंगे, एंड दिस वन इज अ पार्ट ऑफ होल, तो यहाँ पे ये लिख देंगे, एंड द पार्ट विल बी अ प्रॉपर फ्रैक्शन। सो मिक्स फ्रैक्शन, व्हाट इज अ मिक्स फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन इज अ एडिशन ऑफ व्हाट, होल नंबर प्लस द प्रॉपर फ्रैक्शन, उसे आप क्या बोलोगे, मिक्स फ्रैक्शन बोलेंगे। इसके बाद आती है हमारी यूनिट फ्रैक्शन। यूनिट फ्रैक्शन क्या होती है, जिसका न्यूमरेटर वन होता है, दीज फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट फ्रैक्शन। ये नॉन यूनिट हो जाएंगी, जिनका न्यूमरेटर वन नहीं होता है आप उसे क्या बोल दोगे, नॉन यूनिट फ्रैक्शन। आ गया समझ, बहुत सिंपल है। देर आर थ्री काइंड ऑफ फ्रैक्शन, लाइक प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर, और जो एक्स्ट्रा काइंड थे वो भी मैंने आपको बता दिए कि यूनिट फ्रैक्शन कौन सी होती है और नॉन यूनिट कौन सी होती है। देन फोर फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ फ्रैक्शन। इसके लिए देखो, मैं एग्जांपल अपने पास से दूंगी। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन में आप पहले बहुत सिंपल बच्चों को कराओगे कि 1/4 + 1/4 आ गया आंसर 2/4। आगे भी बता सकते हो कि वी कैन कट इट डाउन लाइक इट इज हाफ ऑफ द होल। एडिशन ऑफ फ्रैक्शन ये सिखाने के बाद आप सिखाओगे कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। ठीक है, लाइक मैंने आपको दे दिया 2/3 or 5/6, तो आप इसे एज इट इज तो ऐड नहीं कर सकते। या तो बच्चों को सिखाओ कि हमें डिनोमिनेटर को सेम करना होगा, तो हम क्या करें, इसको किससे मल्टीप्ल, ये तो 6 है, इफ द 6 इज मल्टीपल ऑफ 3 तो ढूंढो किसका मल्टीपल है, 2 पे। तो अगर मैं 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 4/6 + 5/6। हमेशा डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, नहीं है तो आप बनाने की कोशिश करोगे। फिर इसके बाद एलसीएम वाला कॉन्सेप्ट इसी में अगर आपको सिखाना हो तो आप कैसे सिखाओगे, एलसीएम लेना सिखाओ कि आपके जो डिनोमिनेटर है वहां वो आपको यहाँ पे साइड में रख लेने हैं। ठीक है, आपको क्या रख लेने हैं, साइड में रख लेने हैं। जैसे मैंने 3 और 6 को यहाँ पे रख लिया है। 3 और 6 को रखने के बाद आपको देखना है कि किससे डिवाइड होंगे, तो 3 1 3 और ये 2 पे, एंड फिर 3 2 कितना हो गया, 6। तो यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया 6। ध्यान से देखना बच्चों, ऐसे सबको आता है मुझे पता है, आपको कि मैम क्या छोटे बच्चों की तरह बता रहे हो आप। तो ये 3 की टेबल में कितने पे आता है, 2 पे, 3 2 6 जितने पे आता है उसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये क्या हो गया 4। इसमें भी देखो ये कितने पे आता है, 6 की टेबल में 1 पे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो 5 1 5, तो ये आ गया 9/6। आगे भी आप बता सकते हो इफ दीज बोथ कम इन द सिंगल टेबल, तो आप इसे ये देखो ये कितने पे आता है इसके, ऐसे ना, या तो ऐसे सिखाओ कि आप इसे अलग अलग लिख लो, तो ये हमारे पास आ गया 3/2। या बच्चों को डायरेक्ट कट करना सिखा दो डिविजिबिलिटी से। देन आता है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी आपको क्या करना है, अगर सेम है, मान लो अगर हमारे डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डायरेक्ट ही माइनस कर देना है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आपको फिर से वही करना पड़ेगा कि हमें बच्चों को क्या सिखाना है, एलसीएम एचसीएफ जरूर से सिखाना है।
ठीक है, तो अगर एलसीएम एचसीएफ सिखा दोगे आप तो हमारी चीजें भी क्या हो जाएंगी, सॉर्ट हो जाएंगी। देन मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन फ्रैक्शन का फिर भी सिंपल है कि आपने लिखा 1/7 × 1/4, तो ये 1/28 ही होगा। बट इफ दिस वन इज अ 1/7 × 28/4 हो, ऐसे भी मैं कुछ और कर देती हूँ 16, तो कैसे कट करोगे? तो बच्चों को बताना है, इसे लेके आना पड़ेगा। तो 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 4 × 4 = 4, 4 × 4, तो ये हमारा आंसर कितना आ गया 16। तो आप ऐसे बताओगे कि मल्टीप्लीकेशन कैसे करनी है। एंड इफ देर इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, अगर आपको ऐसे दे रखी है तो आप कैसे बताओगे कि यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है और ये हमें क्या कर देना है ऐड। तो 7 × 3 = 21 प्लस ये 27/3, तो आंसर कितना आ गया हमारा 9। क्लियर है? देन डिवीजन, डिवीजन इज देखो डिवीजन को भी हम मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइक अगर मुझे ये दिया हुआ है तो आप इसे क्या करोगे डिविजिबिलिटी सिखाने के लिए, 1/4 × 4/8, हमें ये बच्चों को बताना है डिविजन मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए, हम जो हमारा दूसरे वाला गिवन है जिससे डिवाइड कर रहे हो हम उसे उल्टा करके लिख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से मेरा आंसर आ जाएगा 1/8। क्लियर है? सो इट इज ऑल अबाउट 2.1 मैथमेटिकल कंटेंट एंड आई थिंक बहुत सिंपल है। मैंने आपको बताया कि नंबर काउंटिंग की स्टार्टिंग कैसे करवानी है, पहले बच्चों को 1 to 10 सिखाना है, 10 to 1 सिखाना है, पहचान सिखानी है, इसके बाद हमें एडिशन सिखाना है, फॉर अ सिंगल डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर कैरी फॉरवर्ड पे जाना है। इसके बाद अगर बच्चों को इतना समझ आ जाता है तो हमें 100 तक की भी काउंटिंग सिखानी पड़ेगी, इसके बाद उससे ज्यादा की भी सिखानी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए हम करेंगे कि हम बच्चों को प्लेस वैल्यू सिखा देंगे कि प्लेस वैल्यू समझ आ जाए। उसके बाद फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रैक्शन, किसी भी होल का एक सिंगल पार्ट होना, ये इसका आधा पार्ट है तो ये 1/2 हो जाएगा, वो हमारा फ्रैक्शन होता है। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के मैंने आपको नॉर्मल बताए, प्रॉपर जिसका न्यूमरेटर हमारा छोटा होता है डिनोमिनेटर से, इम्प्रॉपर जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है, एंड द मिक्स्ड वन वो कॉम्बिनेशन होता है हमारा होल और प्रॉपर फ्रैक्शन का। इसके बाद मैंने 2 टाइप और बताया आपको, यूनिट फ्रैक्शन एंड नॉन यूनिट। यूनिट फ्रैक्शन में न्यूमरेटर ऊपर वाला हमेशा 1 रहेगा और नॉन यूनिट वालों में तो कुछ भी हो सकता है 1 के अलावा, अगर 1 आ गया तो हमारा फिर से यूनिट हो जाएगा। क्लियर है? फिर इसके बाद मैंने आपको फ्रैक्शंस की क्या क्या बताई हैं कि फ्रैक्शन में क्या होता है, एडिशन के टाइम पे मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन को हमें कैसे कॉन्सेप्ट करके सिखाना है, और इनको आपको एग्जाम्पल देकर ही बच्चों को इलेबरेशन करके दिखानी है। सो इट इज ऑल अबाउट द 2.1 कंटेंट ऑफ मैथमेटिक्स। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।